Second principle given by Taylor is harmony, not discord. Harmony, not discord. According to this principle, conflicts between workers and management helps none. This principle says कि अगर workers और management में किसी भी जगह कोई conflicts है तो कभी भी वो किसी भी organization के favor में नहीं हो सकता है. Workers और management दोनों को एक दूसरे की importance समझनी होती है. They realize the importance of each other. Management को पता होना चाहिए कि worker के बिना वो कोई काम नहीं कर सकते, तो workers को पता होना चाहिए कि management की guidance के बिना उनकी कोई भी progress नहीं हो सकती है. So he emphasized that there should be complete harmony between managers and workers. Both should realize each other's importance. This is known as mental revolution. This principle says that there should be complete harmony between management and workers instead of any conflicts. किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में नहीं होना चाहिए. उन दोनों को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस रियलाइज करनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए. मैनेजर को किसी भी एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय अपने ऑब्जेक्टिव तभी अचीव कर सकता है जब वो मैनेजमेंट की प्रॉपर गाइडेंस में वर्क करे. तो कोई भी मैनेजमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसे वर्कर्स का फुल सपोर्ट मिले. तो बॉस शुड रियलाइज ईच अदर इम्पोर्टेंस. दिस इज नॉट अ मेंटल रिवोल्यूशन. मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर. एक दूसरे की तरफ जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो हम एक दूसरे के लिए क्या करें, चेंज करें. एक दूसरे के लिए हम लोग कॉपरेशन की फीलिंग क्रिएट करें. दे मस्ट डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विथ हार्मोनी एंड अवॉइड डिस्कार्ड एज देयर ऑब्जेक्टिव इन वन डायरेक्शन ओनली. उन्हें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए. और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो फुल हार्मोनी से काम करते हैं और किसी भी तरह के डिस्कार्ड को अवॉइड करते हैं तो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा अचीव होगा. पर्सनल वर्कर्स के पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव दोनों ही कम्प्लीटली अचीव हो सकते हैं विद द हार्मोनी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. यानी वर्कर और मैनेजमेंट को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी है, एक दूसरे को साथ में लेकर काम करना है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो उस प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना है. मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग अ टीम स्पिरिट अमंग वर्कर्स. दे शुड शेयर द गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड वर्कर्स शुड वर्क हार्ड फॉर द गुड ऑफ द बिजनेस. मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में एक टीम स्पिरिट डेवलप करे कि हमें जो भी गोल अचीव करने हैं वो हमें मिलकर अचीव करने हैं. आई की जगह हमें आई को रिप्लेस करना है हमें वी से. और ध्यान रखना और इसे उन्हें चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करें, अपने वर्कर्स को एनकरेज करें. इसके लिए उन्हें अपने बिजनेस के गेन्स में भी वर्कर को शेयर देना चाहिए. तो इसी टाइम पे वर्कर को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मैनेजमेंट को फुल सपोर्ट दे, वो अपने मैनेजमेंट को गुड परफॉर्मेंस देकर उनके गोल अचीव करने में हेल्प करे. तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मोनी कंप्लीट हार्मोनी हो, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर बिटवीन मैनेजर्स और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ना हो. नाउ थर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये जो प्रिंसिपल है दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. यानी इसमें ये तो है कि हम एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, साथ में ये भी होना है कि हमें एक दूसरे के बीच में हमें फुल कॉपरेशन से वर्क करना चाहिए. दिस प्रिंसिपल इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म. वर्कर और मैनेजमेंट में कॉपरेशन से वर्क करना है. मैनेजमेंट को ये चाहिए कि जब भी मैनेजमेंट किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने वर्कर को भी इन्वॉल्व करें. उन्हें क्लोज रूम डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि कोई भी डिसीजन ले लिया और नोटिस बोर्ड पे लगा दिया. किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने वर्कर को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जो वर्कर्स का टाइमिंग है वो चेंज कर दिया जाए और जो टाइमिंग है वो 10 to 5 की जगह 9 to 6 कर दिया जाए, और इसका बोर्ड पे उन्होंने नोटिस बोर्ड पे जो है नोटिस भी लगा दिया है. तो यहां पर हो सकता है कि वर्कर्स के बीच में डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाए. अगर आपको वर्कर का सपोर्ट चाहिए, अगर आपको वर्कर का
कॉपरेशन चाहिए, तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करे। डिसीजन मेकिंग में अगर इन्वॉल्व करते हैं, उनकी म्यूचुअल कंसेंस से कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो उसे पूरा करने में फुल अपना जो है वो एफर्ट देते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कॉम्पिटिशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। बॉस शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर टू हैव कॉपरेशन। मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अनरीजनेबल डिमांड्स। देयर मस्ट बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए अपने वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग में, उन्हें उन अच्छे सजेशन के लिए रिवॉर्ड भी देना चाहिए, और साथ ही वर्कर्स को चाहिए कि वो किसी तरह का स्ट्राइक या किसी तरह की अनरीजनेबल डिमांड मैनेजमेंट के सामने न रखे, बल्कि दोनों आपस में मिलकर फुल कॉपरेशन से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। नाउ वी विल टेक अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल गिवन बाय टेलर। Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. This principle says that every person should be given an opportunity to show her efficiency, his or her efficiency, and to get prosperity through her or his work. This principle also says that every person should be selected on the scientific basis and they should be given the work, any assignment of work according to his or her mental or physical abilities. Appointment of right person is necessary to achieve organizational objective. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए राइट पर्सन का सिलेक्शन करें, डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन करें। सो Taylor suggested that every person should be scientifically selected and he or she should be assigned work according to his or her physical and mental capabilities. इसलिए प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को तो हम तभी अचीव कर सकते हैं जब उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट को सेलेक्ट करें। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर पर्सन जो है वो साइंटिफिकली सेलेक्ट होना चाहिए और उसे उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही वर्क असाइन किया जाना चाहिए, यानी उसे वही काम देना चाहिए जिस काम को करने में वो बेहतर है। अगर आप उसे ऐसा काम देते हैं जो वो काम करने के लायक नहीं है या फिर वो जो काम करना नहीं चाहता है, तो ऐसे में रिजल्ट कभी भी अच्छे नहीं आते। हो सकता है वो काम कर ले, लेकिन वो उस काम में कभी भी अपना 100% परफॉर्मेंस शो नहीं करेगा। अगर आप उसका बेस्ट पोटेंशियल चाहते हो, तो ये तभी हो सकता है जब आप उसे उसकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही वर्क असाइन करें। Employ must be sent for training for time to time to update their knowledge. Sirf selection hi enough nahi hai. After selecting the person, he should be given time to time opportunity to get training for the work to update his knowledge. Apni knowledge ko increase karne ke liye, apni capabilities ko increase karne ke liye, apni knowledge ko enhance karne ke liye, hame time to time unhe training bhi provide karni chahiye, taki wo changing environment ke according jo bhi changes aa rahe hain, chahe wo technological changes ho ya other changes ho, unke according apne aap ko update kar sake. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and worker. और इसका रिजल्ट ये आएगा कि ना सिर्फ मैनेजमेंट बल्कि वर्कर भी अपनी फुल एफिशिएंसी और से वर्क करेंगे और प्रॉस्पेरिटी को गेन करेंगे। वर्कर भी मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे, तो वर्कर भी ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे थे टेलर के, हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स।